नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर, लेकर हाजिर है हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें दर्शकों आपके राशिफल के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि आज आपको कहां पर करना है फोकस और कहां पर रहना है आपको अलर्ट। इसी के साथ ही साथ दर्शकों हम चर्चा करते हैं खास विषय पर और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह माँ कृष्ण पक्ष है, तिथि पंचमी है। आज दोपहर 12:11 तक इसके उपरांत षष्ठी लग जाएगी। योग शोभन योग है, आज रात 9:12 तक इसके उपरांत अति गंड योग लग जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं 11:28 तक इसके उपरांत वो कन्या राशि में चले जाएंगे। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। राहु काल दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक रहेगा। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। वार बुधवार है और दिशा शूल उत्तर दिशा है, तो आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। किसी से धन लेना हो, किसी को टोकन मनी देने जानी हो तो बिल्कुल मत जाइएगा। इसके अलावा अगर किसी और कार्य से आपको जाना पड़ता है तो आप कुछ तिल की बनी हुई चीज़ खाकर ही निकलिएगा। तो यह है आज का पंचांग। इसी के साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का राशिफल। पहली चार राशियों का राशिफल आज क्या कहता है, जानते हैं शशि जी से। मेष राशि वालों के लिए फोकस है कारोबार को बढ़ाने के लिए। अगर कोई लोन आप लेना चाहते हैं तो आज उस दिशा में आपको सकारात्मक सूचना मिल सकती है। अलर्ट रहना है कि बहन का स्वास्थ्य आज खराब हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी बहन का। वृष राशि वालों के लिए फोकस है अगर काफ़ी दिनों से कुछ लोगों से रेगुलर बात नहीं हो पा रही है जो पहले होती रहती थी, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं करिए, उनसे बात करिए, क्योंकि नेटवर्क आपका एक्टिव रहना चाहिए। अलर्ट रहना है कि खान पान में बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले भोजन से बचना चाहिए, नहीं तो लीवर में कोई दिक्कत हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है ऑफिस में काम करते समय गलतियों पर निगाह रखिएगा और अपनी टीम को स्किल करते चलिए, क्योंकि गलतियां अगर कम हो जाएंगी तो आपके बॉस की प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। अलर्ट रहना है कि आज के दिन जो अगर आप यात्रा कोई करते हैं तो वो कष्टकारी हो सकती है, तो अनावश्यक यात्रा करने से आज बचिए। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है निवेश करने की अगर आप सोच रहे हैं तो अपने वरिष्ठ जन से, अपने सीनियर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई निवेश करिएगा, आपको लाभ होगा। अलर्ट रहना है कि टीम में किसी की गलती पर बहुत अधिक क्रोधित नहीं होना है, नहीं तो बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। तो ये था पहली चार राशियों का राशिफल, कहाँ पर करना है फोकस और कहाँ पर रहना है आपको अलर्ट, ये हमने जाना। अब वक्त है कार्यक्रम में खास विषय पर चर्चा करने का। लगातार हम खास विषय लेकर आते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में शशि जी, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि दुकान खोलने के बाद भी जिन लोगों को लगातार घाटा होता है तो क्या इसके पीछे वास्तु दोष भी हो सकता है? दुकान खोलते वक्त हम किन खास बातों का ध्यान रखें? बहुत अहम भूमिका निभाता है वास्तु इसमें। दर्शकों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुकान की वास्तु की, किस तरीके की दुकान होनी चाहिए, दुकान का वास्तु क्या होना चाहिए, और अगर दुकान का जो वास्तु है वो अगर बिल्कुल ठीक है तो इससे व्यापार में वृद्धि और विस्तार, समृद्धि, इन सब में एक दैवी सहयोग मिलता है। दर्शकों, वास्तु कैसा मिलेगा ये तो बहुत कुछ अपने हाथ में रहता नहीं है, क्योंकि ये सब प्रारब्ध से तय होता है कि किस तरीके का वास्तु मिलेगा, भूमि कैसी मिलेगी, किस मुखी होगी, ये सब चीज़ें, दुकान किस दिशा में होगी, ये खरीदते समय चुनाव किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितिवश या उपलब्धतावश, मानिए पहले से ही कोई दुकान है तो उसमें कोई चुनाव कर नहीं सकते। मानिए किसी के पास दक्षिणमुखी दुकान है और वो उसके पास पहले से है, एक पैतृक संपत्ति से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी वो दुकान है और बहुत अच्छी मार्केट में है, बड़ी महंगी दुकान है, लेकिन अब उसको बेचकर उस मार्केट में दुकान नहीं ली जा सकती, उपलब्धता ना हो, तो फिर क्या करें? वर्तमान परिस्थिति में दूसरी दुकान भी नहीं मिल पा रही है,
या मिलेगी भी तो एक दूसरी मार्केट में मिलेगी, तो कई तरीके की एक व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। तो क्या उस दक्षिणमुखी दुकान में सब कुछ निगेटिव होगा? क्या दक्षिणमुखी की सभी दुकानें चलेंगी ही नहीं? क्या ऐसा वाकई है? ऐसा है नहीं। क्या उसकी नकारात्मकता को कुछ कम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। दरअसल दर्शकों, आज हम लोग दुकान के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी दुकान लेनी चाहिए, हम इस विषय में आज बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज बात ये कर रहे हैं कि जो भी परमात्मा ने दुकान दी है, जो भी दुकान अपने पास है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या क्या सुधार करें, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिससे जो भी अगर कुछ नकारात्मक स्थिति है, कोई भी नकारात्मकता आ रही है, उसको कम किया जा सके। तो चलिए हम लोग दुकान के विषय में पहले दिशाओं पर आज समझते हैं कि दिशाओं का क्या प्रभाव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दुकान यदि पूरब मुखी हो, बिल्कुल ईस्ट फेसिंग हो, तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपकी दुकान पूरब मुखी है, सूर्य भगवान जैसे ही निकलेंगे आपकी दुकान में दर्शन देंगे, दुकान के अंदर रोशनी आएगी। लेकिन दुकानदार को ये ध्यान रखना चाहिए, जिनकी भी दुकान पूरब मुखी दुकानें हैं, वो दुकान लेट नहीं खोलें, जल्दी खोलना चाहिए। यानी मार्केट मानिए किसी की 12 बजे ओपन होती है, 11 बजे ओपन होती है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं, कुछ मॉर्निंग सेशन में कोई चीज़ आप बेचने की कोई व्यवस्था कराएं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करें, जिससे कि दुकान किसी भी कारण से आपकी जल्दी खुल जाए। सपोज़ करिए कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट है, इससे संबंधित कोई चीज़ है, ब्रेड बटर है, दूध है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जब दुकान सुबह जल्दी खोलनी पड़ेगी। तो ईस्ट फेसिंग वालों को कोशिश करना चाहिए कि दुकान समय पर खुल जाए, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद लगातार आपको देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर दुकान ईशान कोण की ओर आपका दुकान का मुंह है, ईशान कोण का अर्थ है कि पूरब और उत्तर के मध्य में थोड़ी सी कर्व है, विदिशा प्लाट है, विदिशा दुकान है, तो आपको ईशान कोण में अगर है, तो अब ईशान कोण का एक सरल तरीका ये है कि जो आपके राइट साइड के कॉर्नर से सूर्य निकलते हों, पूरब राइट में चला जाएगा थोड़ा सा। तो ईशान कोण वालों क्या करना चाहिए, दुकान का जो मुख है, वो जो द्वार है, वहाँ पर बिल्कुल वजन मत रखिएगा। कई दुकानों में आप एंटर करते हैं तो बहुत सामान होता है, द्वार पे भी काफ़ी पेटियाँ रखी होती हैं, काफ़ी लोडेड होती है। तो ध्यान ये रखना कि अपनी शॉप में कोई भी बिल्कुल डोर पर यानी बिल्कुल मुख पर बहुत वजन नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर वगैरह रख देते हैं, जनरेटर बिल्कुल लगा देते हैं, तो ये वहाँ नहीं ठीक रहेगा। तो इसमें ध्यान ही रखिएगा कि बहुत साफ़ रहे। एक काम ये कर सकते हैं आप कि वहाँ पे आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, आप फिल्टर रख सकते हैं, पीने का पानी वहाँ से कस्टमर भी ले सकता है और आप भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी सेंसिटिव पार्ट है, जितना अच्छा आपका ये बाहर का व्यवस्था होगी, ईस्ट में भी और आपके नॉर्थ ईस्ट में भी, ईशान में भी बहुत साफ़ रहना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। मस्तक है ये, यानी जितना ललाट अच्छा रहेगा उतना दुकान की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में अगर आपकी शॉप है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से उत्तर दिशा से बहुत आपको प्रॉस्पर्टी आती है, क्योंकि कुबेर और गणेश जी का वास उत्तर में है, वो निरंतर आपके व्यापार को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये व्यापारिक स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन कस्टमर कभी भी आपका दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई सामान आपने बेचा और वो रिटर्न करने आया, या कोई फॉल्ट हो गई, या वो चेंज कराना चाहता है, तो कस्टमर को बहुत खुश करके बेचना, कोई आनाकानी नहीं करनी कि माल बदलने में हमें दिक्कत हो, है ना। तुरंत उसकी जो भी समस्या हो उसका तुरंत निदान करना चाहिए, क्योंकि आप एक बात मान लीजिए कि उत्तर की ओर से जो भी ग्राहक आ रहा है वो गणपति का स्वरूप है, वो कुबेर का स्वरूप है, वो धन लेके आपके लिए आ रहा है, तो विवाद तो बिल्कुल नहीं करना। तो ग्राहक तो वैसे भी देवतुल्य है, और हर समस्या का हल करना जो भी दुकान का मालिक है, मुखिया है, उनका दायित्व है। कोई भी मिसबिहेव अगर आपके हेल्पिंग हैंड में कोई कर रहा है, तुरंत उसको, आपको फेवर कस्टमर का ही लेना है, अपनी टीम का नहीं लेना है। इसके अलावा अगर वायव्य कोण में, वायव्य कोण हो गया कि नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, हम ईस्ट से नॉर्थ की ओर होते हुए आ रहे हैं, तो नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, यहाँ पे अगर फेसिंग की अगर आपकी शॉप है, तो आप ये समझिए कि जो भी आप काउंटर बनाएं,
आपने जो भी सामान अपने दरवाजे पर रखा है और जो भी शीशे का डिस्प्ले बनाया है, ये सब माल बहुत तेज़ी से बिकेगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको खूब विज्ञापन भी करना है, ये काउंटर बहुत महंगे बिकते भी हैं। तो जो सामान आपका नहीं बिक पा रहा है, सपोज़ करिए कि दुकान में कुछ सामान बहुत बिक रहे हैं लेकिन एक सामान है जो नहीं बिक रहा है, डम पड़ा हुआ है, तो कुछ दिन के लिए आप उसको बाहर द्वार की तरफ ले आइए, यानी वायव्य कोण की जो दुकान है वो अपने डोर पर अपने बाहर उसका डिस्प्ले करना चाहिए, उससे बहुत जल्दी बिकता है। अब अगर शॉप आपकी पश्चिम मुखी है, यानी सूरज जब डूबते हैं तब शाम को जब डूबते समय आपकी दुकान में बहुत धूप आती है, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुकानें आ रही हैं, यानी कि कई पीढ़ियां इस दुकान में काम कर चुकी हैं, तो डे बाय डे जो भी नीचे की पीढ़ियां हैं वो बहुत ग्रोथ करेंगी। तो वेस्ट फेसिंग की अगर कोई शॉप है और बाबा भी वहाँ बैठते थे, फिर पिताजी भी बैठते हैं, अब बेटा भी बैठ रहा, तो ध्यान ये रखिएगा कि ये शॉप बेचिएगा नहीं, आप इसका विस्तार कर लीजिए, बड़े बड़े शोरूम बनवा लीजिए, लेकिन इस दुकान को रखिएगा, क्योंकि ये दुकान ही ऐसी है जो सभी विस्तार कर रही है, ये जड़ है, इसलिए जड़ नहीं काटनी है। दूसरी बात यह है कि ये जो भी वेस्ट फेसिंग की दुकान है उसमें जो सेकंड ओनर होगा, यानी कि फर्स्ट ओनर जो संघर्ष करेगा थोड़ा सा, उसको उतनी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जो बाद में जो लोग आएंगे उनकी बहुत ग्रोथ होगी। इसलिए ध्यान ये भी रखना कि जो शॉप में जो दुकान खोलेगा वो दुकान बंद नहीं करेगा, यानी कुछ शिफ्ट बनानी होगी कि मॉर्निंग में मानिए पिताजी गए दुकान में बैठ रहे हैं और लंच तक वो बैठे, उसके बाद बेटा पहुंच गया और दुकान को बंद करा के तब आया, तो यानी दो शिफ्ट में दुकान की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण है वेस्ट और साउथ के बीच का, दक्षिण और पश्चिम के जो मध्य है वो कॉर्नर है, ये यहाँ थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ से जो हवा आ रही है ये थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी है और यहाँ हैवी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो शस्त्र से संबंधित आप कोई पार्ट्स बेचते हैं उसका डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पे जो द्वार पे है थोड़ा सामान बढ़ा के रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा हैवी करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे वजन चाहिए, क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का पैर है, और यहाँ ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों का डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ वो चीज़ रख दी जो चीज़ नहीं बिक रही थी तो वो और नहीं बिकेगी, यानी यहाँ पे वो सामान रखना है जिस सामान को थोड़ा सा आपको होल्ड करना है, तो इसलिए यहाँ पर उसको करेंगे। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि जो डोर है, यहाँ का डोर हमेशा खुला नहीं रहेगा, अगर शॉप में आपके बाहर डोर नहीं है तो डोर लगवाना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक डोर बिल्कुल मत लगाइएगा कि अपने आप बंद हो जाए अपने आप खुल जाए, ये नहीं अच्छा होता है, डोर खोलने वाला कोई बंदा रखिए, वो डोर खोलेगा जब कस्टमर आएगा और बंद हो जाएगा, डोर क्लोज़र बाकायदा उसमें लगा होगा, क्योंकि हमें अननेसेसरी कि उधर से हमें हवा नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा से थोड़ा सा लोग भयभीत रहते हैं, यम की दिशा होती है, यमराज उधर है, देखिए यम को, यम सृजन के देवता नहीं है, वो बनाते नहीं है, वो क्लोजिंग के देवता हैं, किसी भी चीज़ को रिमूव करते हैं, तो कोई ऐसा अगर कोई आपका प्रोडक्ट है जो किसी चीज़ को हटाने के लिए है, जैसे कीटनाशक हो गया, कोई चीज़ रिमूव, क्लीनिंग के जो भी केमिकल्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों की दुकान यहाँ काफ़ी अच्छी रहती है। खाने पीने की अगर दुकान है तो हाइजीनिक बहुत रखना पड़ेगा, बिल्कुल बासी माल नहीं बेचना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे दक्षिण मुखी दुकान है और आप खाने पीने का सामान पुराना अगर दे देंगे तो हो सकता है कस्टमर को कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाए, फिर आरोप लगने लगेंगे, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा एक सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको बचाव का तरीका है कि दुकान बंद करने के लिए बाकायदा एक बंदा रखिए, जो अगर वो दिव्यांग हो तो बहुत अच्छी बात है और वो अपना बंद करे और जब कोई कस्टमर आए तो खोले, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो भी कस्टमर आएगा उस कस्टमर को बैठने की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए साउथ फेसिंग में, यानी कस्टमर खड़ा नहीं रहे, वो बैठ जाए, जो भी प्रोडक्ट लेना हो आपको बैठ से बात करे और बैठ कर ही बात करके जाए, इस तरीके का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो काउंटर रखना है, जो आपको कस्टमर को जो सामान बेचना है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंदर बेचने वाले का मुँह साउथ में ना रहे, यानी डोर की तरफ ना रहे, ईस्ट हो जाए, नॉर्थ हो जाए, नॉर्थ हो जाए सबसे अच्छा, वो व्यवस्था अपनी जैसे भी है उसको देखकर साउथ से फेसिंग हटा लेनी चाहिए।
तो दर्शकों, हमने जाना कि वास्तु दोष के कारण आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आपको नुकसान हो सकता है। कुछ उपाय आपको बताए हैं जिन्हें आप करेंगे, वास्तु ठीक करेंगे तो जल्द ही आपको लाभ भी होगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि कार्यक्रम में वक्त है आपके सवालों के जवाब का। आपको बता दें दर्शकों कि अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल अपनी डिटेल्स के साथ हमें ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, आप वीडियो संदेश के जरिए भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही हैं। तो आज किसका है पहला सवाल, आइए देखते हैं इस वीडियो संदेश के जरिए। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम निर्भय है और मेरा जन्म 5 मई 1982 को मुजफ्फरपुर में सुबह 7:53 पर हुआ है और मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। निर्भय जी का प्रश्न है कि पिता के स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहते हैं, थोड़ा चिंतित हैं। मिथुन लग्न है, कन्या राशि है, कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है लेकिन दशा बहुत सपोर्टिव नहीं है। गुरु में शुक्र चल रहे हैं। और देखिए निर्भय जी, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि 20 दिसंबर 2019 से उनके स्वास्थ्य में कुछ निगेटिविटी आई है। ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और इसमें ध्यान ये रखना होगा कि ये 2022 तक आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें विशेषकर चीज़ें हैं किडनी से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की समस्या, डायबिटीज़ और आँखों की रोशनी की समस्या। इसी के इर्द गिर्द मुझे ऐसा लगता है कि कोई समस्या होनी चाहिए और बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और मीठे का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना चाहिए। उपाय में पिताजी से कहिए कि वो महामृत्युंजय का जाप करें और वैदिक करें, कोई संपुट लगा करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनात् मृत्योर्मूर्छि मामृतात्, बस इसी का जाप रेगुलर करते रहें, उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो है डिंपल महाजन का। डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1979, समय है 1:45, जन्मस्थान है दिल्ली। इनका सवाल है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दिमागी परेशानियों से भी बहुत परेशान हैं, जॉब करती हैं लेकिन वहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ उपाय बताएं। डिंपल जी का प्रश्न है, काफ़ी परेशान है। देखिए कर्क लग्न है और मीन राशि, ग्रहों की स्थिति अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी विपरीत चल रही है और दशा भी पूरी सपोर्टिव नहीं है और ये काफ़ी समय से आप परेशान। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि 2021 तक आपको और धैर्य रखना है, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2021 तक सब ऐसे ही चलेगा। ये चीज़ें अभी आपकी जनवरी से ही कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद सितंबर में जाके 50% प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको, इस समय निगेटिव विचार बहुत आएंगे। कोई भी चीज़ होगा, एक अननोन फियर आएगा, छोटी सी समस्या होगी तो वो दिन भर दिमाग में घूमती रहेगी, तो इस तरीके की उलझने आपको रहेंगी। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो कई तरीके के टेस्ट कराने पड़ेंगे, तरह तरह का भ्रम हो सकता है कि कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। तो बिल्कुल इसका केवल एक उपाय, आप गणेश जी की उपासना करिए, गंग गणपते नमः का जाप करिए और प्रत्येक चतुर्थी को आप उनको अपने हाथों से भोजन बनाकर भोग लगाइए। भोग तो आप प्रतिदिन लगा सकते हैं, जो भी आप घर में खाना बनाइए नहीं उसका आप भोग लगाइए, तो चीज़ें सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। अभी विषम परिस्थिति लेकिन ये चीज़ें भी ठीक हो जाएगी, बस आप गणपति जी की उपासना करिए। एक छोटा सा उपाय और है कि आप फुटवेयर अच्छे पहना करिए, बहुत हीलदार फुटवेयर नहीं पहनने हैं, प्लेन फुटवेयर अच्छे पहनिए, इससे आपको मानसिक शांति बहुत मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं डिंपल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शशि जी से अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है, आज भाग्य और कर्म का अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आप मेहनत करिए आपको सफलता मिलेगी। अलर्ट रहना है,
पिता को अगर रक्तचाप से संबंधित या शुगर से संबंधित कोई दिक्कत है तो उनके स्वास्थ्य पर आप ध्यान देना होगा। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है, पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो बड़े भाई से मदद लेनी पड़ सकती है, उनसे सलाह लेनी पड़ सकती है और आर्थिक रूप से भी मदद लेनी पड़ सकती है। अलर्ट रहना है, जीवन साथी पर शंका बिल्कुल मत करिए, अन्यथा संबंधों में आंच आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, व्यापारी वर्ग को अपने पुराने निवेशों के चलते लाभ हो सकता है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों से भी काफ़ी मुनाफा होगा। अलर्ट रहना है कि बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, अपनी दिनचर्या में योग शामिल करिए, कुछ शारीरिक रूप से परिश्रम अवश्य करिए, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। अलर्ट रहना है, दूसरों की लापरवाही पर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था अगली चार राशियों का राशिफल, कैसा रहेगा आज का आपका दिन ये हमने जाना। अब वक्त है आज के हमारे तीसरे सवाल का, और आज का हमारा तीसरा सवाल है खुशबू चौरसिया का। डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1999, समय है शाम 6:15, जन्म स्थान है अमेठी। सवाल है कि इनके घर की स्थिति कब ठीक होगी, बहुत कर्जा है, कुछ उपाय बताएं। खुशबू जी का प्रश्न है कि रोजगार से संबंधित चिंता है, कर्ज भी बहुत है पिता पर, तो ये सब तनाव से कैसे मुक्त होंगे। कुंभ लग्न है और मिथुन राशि, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए और दशा देखते हुए सबसे पहली चीज़ तो खुशबू जी, आप अपने परिवार का कुल दीपक हैं। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्कुल मत परेशान होइए, सारे कर्ज पिता के ऊपर, परिवार पे जो भी दिक्कतें हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। गुरु कृपा इस कुंडली में पूरी है, आपको हताशा नहीं होनी, आपको निराशा नहीं रखनी है। इसमें देखिए जो भी चीज़ें हैं वो समय आपका अच्छा चल रहा है, और राहु की वजह से मानसिक रूप से कुछ उलझने हैं, उसका उपाय कर लीजिए। उपाय में ये है कि आपको प्रतिदिन कुत्तों को आप कुछ ब्रेड खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, रोटी घर में बनी वो खिलाइए, कुत्तों को आप खूब प्रेम करिए, डॉग लवर हो जाइए आप, आपको निश्चित रूप से राहु की कृपा भी मिलेगी और आर्थिक रूप से जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो भी ठीक हो जाएगी। तो खुशबू जी के सवाल का जवाब जानने के बाद अब आइए शशि जी से जान लेते हैं बाकी बची चार राशियों का राशि फल। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, आज वक्त है अपने मित्रों के साथ बातचीत करने का, कोई समस्या है तो मित्रों के साथ शेयर करिए, आपको अच्छी सलाह मिलेगी। अलर्ट रहना है कि अनावश्यक धन खर्च हो सकता है जिससे आपको आर्थिक रूप से दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए फोकस है, अगर समय आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, चीज़ें काम नहीं बन पा रहा है, तो धैर्य रखिए, धैर्य के साथ समय काटिए, समय ठीक होते ही आपका काम बनने लगेगा। अलर्ट रहना है कि यात्रा पे जाने का अगर कोई प्लान है और आपका कोई बहुत काम नहीं है वहाँ पर तो टाल दीजिए, घर में रहिए, आराम करिए। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है, आप विदेश में नौकरी या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई विदेशी उत्पाद का कोई कारोबार करता है तो उसको भी आज लाभ होगा। अलर्ट रहना है कि व्यापारियों को अधिक मात्रा में माल डंप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका माल फंस सकता है। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, यह समय थोड़ा सा मानसिक रूप से दबाव वाला है, इसलिए मन प्रसन्न रखिएगा और समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करिए। अलर्ट रहना है कि कहीं आप गिर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। तो ये था बाकी बची चार राशियों का राशिफल, आज आपको कहां पर करना है फोकस और कहां पर रहना है अलर्ट ये जाना। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आज के हमारे चौथे यानी कि आखिरी सवाल का, और आज का हमारा आखिरी सवाल है राकेश कुमार दुबे का। डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1998,
समय है सुबह 4:05, जन्म स्थान है छपरा। सवाल है कि बीएससी में है, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, कुछ बताएं सफलता मिलेगी या नहीं। राकेश जी का प्रश्न है कि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी में है, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, मिथुन लग्न है, मीन राशि है और चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे है, गुरु भी बहुत अच्छी, देखिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, दशा भी बहुत पॉजिटिव चल रही है, आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, टैक्सेशन से संबंधित, एसएससी से संबंधित आप तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उपाय में बस एक उपाय करना है कि आप एक तो सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दीजिए और रविवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करिए, इतना आप काम करिए, आपको लाभ निश्चित होगा। तो उम्मीद करते हैं राकेश जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अपने कार्यक्रम के आखिर में आइए शशि जी से जानते हैं आज कौन सी अनमोल काम की बात वो बताने जा रहे हैं। दर्शकों, आज की काम की बात है थोड़ा रोग से संबंधित। देखिए, अगर रात्रि भोजन आप कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और कई बार होता है कि ठंड में लोग अपना बेड में ही बैठ के खा लेते हैं, वैसे तो बेड में बैठ के खाना नहीं चाहिए, लेकिन किसी परिस्थिति बस आप मानिए बैठ के खा भी रहे हैं, मानिए बीमार हैं आप खा रहे हैं, तो लेकिन खाने के बाद जो जूठे बर्तन हैं, ग्लास है, ये वहीं कॉर्नर पे, टेबल पे कहीं रख के छोड़ने नहीं है, यानी वो हट जाने चाहिए, धुलने वाली जगह पे पहुंच जाना चाहिए। अगर जूठे बर्तन या जूठा गिलास भी अगर आपके बेडरूम में रहता है तो निश्चित रूप से ये आपके रोग को बढ़ाने वाला है, और ये अगर आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो आपको भोजन करते हुए सपने भी आने लगेंगे, और भोजन करते हुए सपने आने का अर्थ ये है कि रोग आ रहा है, अलर्ट हो जाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो इसलिए स्वस्थ रहना हो तो भोजन रसोई में करिए, अपने डाइनिंग हॉल में करिए, और बेडरूम में कोई भी जूठे बर्तन बिल्कुल ना रुकें, ये इस बात का ध्यान रखिए। तो ये थी आज की काम की बात। इसी के साथ ही साथ दर्शकों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने जाना आज का राशिफल, साथ ही चर्चा की एक खास विषय पर। अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल के साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।